मैंने पूछा ना तो बोलता है तो तेरे को क्या हो रहा, बोला तेरी टांगे टूंगे काट दूंगा फाड़ना पड़ा। मैं कहा भाई इसको क्यों बंद किया, अंदर ही बंदा। हाँ बंद है भी, एक थोड़ी है, 20 बच्चे हैं छोटे छोटे, कुत्ते भी बड़े खाने पड़ रहे हैं ना। 15-20 पप्पी को बंद करके रखा है और 10 डॉग हैं बड़े, उनको बंद करके रखा है और काफी स्मेल आ रही है बोला रूम से। इस पूरी स्थिति के बारे में कुछ बहुत अजीब सा था। जिस व्यक्ति पे इन कुत्तों को खाने का आरोप लगा था उनके करीब जाते ही वही कुत्ते हमें खाने को पड़ रहे थे। अंदर देखो ना आग जल रही है, अंदर तो सफोकेशन पूरा भरा हुआ है सारा का सारा, तो बच्चे कहाँ क्या करेंगे। ये क्यों बंद किया आपने? शिकारी लोग ले रहे हैं, पालने की मैं भाई इतना समझ नहीं आ रहा हूँ। ये शुरू से पाला ना हम बच्चे से, ये कोई भी नहीं रहता उस टाइम तो। पर इनको घूमने तो आप बंद मत करो उन बच्चों। और इनका खाना पानी? खाना पानी हम खिलाते। चाचा आपको खुद ही मुश्किल हो जाता है, आप इनका कहाँ से करते हो मतलब। लोगों की तूतू मैमे और कुत्तों के शोर ने एक ऐसा बौखलाहट का माहौल पैदा कर दिया कि उस समय तो हमारी टीम के लिए कुछ भी पता लगाना असंभव हो गया था। अब आसपास वालों का तो कहना है भाई ये ताले वाले लगाते हैं इतने सारे, और क्यों लगाते हैं ताले। उसका कहना है भाई लोग जहर दे देंगे, म्युनिसिपैलिटी वाले जहर दे देंगे, तो मैं कूड़ेदान से इधर उधर से कुत्ते बचा के ला रहा हूँ इसलिए मैं ताले लगाता हूँ। हमारी टीम में भी दो मत हैं कि कोई कह रहा है कि भाई नहीं नहीं वो ठीक काम कर रहा है, कोई कह रहा है वो हो सकता है खाता हो। तो मैं खुद आज देखने आया हूँ कि आखिर माजरा है क्या। कौन सा घर है? पहले वाला जो नीचे तो एक... हाँ बहुत सारे डॉग्स है ना, केयरफुल, जैसे प्रोटेक्टिव हो जाते हैं डॉग्स उसको लेके, उस बंदे को लेके। फिर थोड़ा खड़ा होगा अगर उसको प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। बड़े होते हैं ना बच्चे को रखते हैं। ये तो अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के हैं सारे, तो रे तो इस तरह जहाँ से भी। आपके पास कुल कितने कुत्ते हैं? 15-20 है, वो भी बच्चे मेरे सारे कुत्ते में पाल लिए। कबाड़ी हमने गोद लिया ना एक बटे, इतना कैसे ना छोटे बच्चे डाले। ये जो आपने पाल रखे हैं इतने, इनका पालने का क्या कारण है आपका? ये तो उसी का बच्चा है ना बड़े वाले का। आप एक ही लाए थे? हाँ एक ही लाए थे, उसी का। एक जोड़ी और आ गया था ना, वो सब छिप कर सोया हुआ है। अच्छा आप एक लाए, उसके बच्चे हो गए? उसी का बच्चे, उनके आगे बच्चे हो गए। तो आप खाना वगैरह कैसे लाते हैं? खाना बनाया लाया, 100 रुपए का सामान लिया है, 2 किलो चावल लग गया था। चावल खुद बनाते हो आप इनके लिए? हमें कई लोग कह रहे थे कि आप कुत्ते मार देते हो। नहीं कैसे मार देंगे, दान है। दान क्या होता है? दान दान डैन भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। बहुत प्रेत है, शिकारी बहुत है यहाँ। कौन शिकारी? कुत्ते खाने वाले शिकारी कौन है? कुत्ते खाने वाले। आपने खरीदी दिल के रखी है? मैं तो जाती हूँ। आपने कभी मारा कोई कुत्ता? नहीं मैं मारा। अभी जैसे आपने वो जो छोटा पिल्ला था आपने उसको थोड़ा सी दांत लगा दी, आप उससे होता है क्या बोले अपने, बहुत दुखी है। मैं कह रहा हूँ सर्जी करा देंगे, हम 2 महीने बाद देंगे। हाँ जा रहे हैं पाल लिया, अब तबियत मेरे चलो महीने बाद कर देंगे हम तो। हाँ हाँ हम तो कर देंगे, ले जाओ छोटे छोटे बच्चे छोड़ के ना, बाकी बड़े बड़े ले जाओ। छोटे क्यों नहीं? खा पिएगा इतना खुले जगह खाएगा पिएगा। नहीं हम तो यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने गिन रखे हैं ना जैसे। हाँ। तो हम महीने बाद आएंगे, इतने ही होंगे। हाँ। हम इनकी सर्जरी कर देंगे। ठीक है यहीं छोड़। आपका कोई फ़ोन नंबर वगैरह मिल सकता है? मैं बनाया नहीं कोई आधार कार्ड। मुझे तो लग रहा है कि बस वो पाल ही रहे हैं, नहीं खाने वाला मुझे तो नहीं लगा, मतलब एक फीलिंग की बात कर रहा हूँ। डाउट का ये ना, मतलब जैसे ये कह रहा है बड़े ले जाओ छोटे मत ले जाओ। कई बार भी क्या होता है हम एक तरफ मन बना लेते हैं ना, फिर हम हर चीज़ को ना उसी तरह से देखते हैं। हाँ ये तो मैं आप थोड़ी और जानना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा अगर मन बना लिया पहले ही तो फिर तो हम जो भी एविडेंस मिलेगी उसी के फेवर में हम कर देंगे। देखो कोई डेड बॉडी नहीं मिली, क्या चालाकी से दबाता है। कुछ तो है, क्या है? अच्छा काम कर रहा है, बुरा कर रहा है कोई पता नहीं है। ये जरूरी नहीं कोई बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है ना कि बस उसको मन में आया चल रख लिया ठीक है चले हैं। अगर ऐसा करना तो बड़े बहुत ही अच्छा बात है। पर ऐसा ना होना कबाड़े बेचे बोतल ले शाम को एक उड़ाया खाया। और मुझे लगता नहीं है कुत्ते भी ऐसे लोगों को सेंस कर लेते हैं, पागल थोड़ा है वो। कोई माँ का एक बच्चा ले जाएगा, कुत्तों को पता लगता है मेरा बच्चा कोई ले जा रहा है, जिसको वो मतलब ही नहीं कि उसके बारे में इतने प्रोटेक्टिव होते। फिर जब वो कुत्ते खाएगा उसकी बॉडी से 100% स्मेल आएगी। जैसे लोग जो प्याज लहसुन खाते हैं उनकी बॉडी से स्मेल फर्क आती है ना? नहीं आती है बस, मुझे नहीं लगता। स्टरलाइजेशन करके देख लेंगे यहाँ पे।
फिर देख लेते हैं कुत्तों की संख्या बढ़ती है, नहीं करते रहेंगे फॉलो। जगह अच्छी भी नहीं है ऐसी, आने वाला कोई नहीं है ना सब, तो इसे कह रहा हूँ अच्छी जगह। और तो रात को डर के मारे कोई आएगा तो